इज गिवन। छोटा बच्चा जब रोज घर पे आता था पहले, अपनी हर बात बताता था ना। जब वो इतने थे, वो घर आते थे, हमारे गोल गोल घूम के हर बात बताते थे, आज ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ, आज टिफिन में ये खाया, ये खाया। एंड हम स्माइल करते थे उनकी बात को सुनकर, एंड घर पे सब लोग स्माइल करते थे, तो उस बच्चे को क्या मिलता था? अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल। फिर वो बच्चा जब इतना हुआ थोड़ा सा, अब हम उसके गोल गोल घूमते, क्या हो गया था, आज किधर गए थे, आज किसको मिले थे, आज क्या किया था, आज क्या खाया था, होता या नहीं होता? पहले वो हमारे गोल गोल घूमता था बताने के लिए, अब हम उसके गोल गोल घूमते हैं पूछने के लिए, और अब वो पूछने पर भी नहीं बताते हैं। व्हाट हैपेंड? सेम चाइल्ड, सेम पेरेंट, सेम रिलेशनशिप, इक्वेशन कब बदल गई? क्या हुआ, क्या हुआ? जब वो छोटे थे, वो जो, हाँ जी, जब वो अपनी छोटी छोटी बातें बताते थे, हम मुस्कुराते थे, मुस्कुराते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। एवरी सोल वॉन्ट्स अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, ये तीन चीजें। जब वो थोड़े से इतने हुए, तो एक दिन उन्होंने आकर कहा, आपको पता है आज हम पिक्चर देखने गए स्कूल बंक करके। आप ऐसे थोड़ी स्माइल किया था जब उन्होंने बोला था। ऐसे स्माइल कर देते तो वो आज तक अपनी हर बात आकर बताते। ऐसे स्माइल कर देते अगर उस टाइम पर, उस दिन नहीं किया स्माइल, और उस दिन उनको अपने से कितना दूर कर दिया। वो तो आए थे बताने के लिए, उन्होंने नहीं झूठ बोलना शुरू किया, उन्होंने छुपाना नहीं शुरू किया, वो आए थे बताने के लिए, हम सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उस दिन हमने जैसे ही सुना, हमने क्या किया, एकदम से हमने रिजेक्ट किया। बच्चे को पता ही नहीं चला कि आज क्या हुआ, वो तो अपना नॉर्मल रोज की तरह बताने के लिए आए थे। रोज उनको एक्सेप्टेंस मिलती थी, आज उनको डांट मिली। फिर शाम को एक राउंड टेबल मीटिंग हुई, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। एंड द चाइल्ड स्टार्टेड गेटिंग क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल एंड ट्राइंग टू नाउ कंट्रोल हिम। फिर उसने थोड़े दिन के बाद आकर कहा, आज मैं पार्टी में गया ना, मेरे फ्रेंड ने सिगरेट ऑफर की, मैंने आज सिगरेट ट्राई की। उस दिन तो, अब धीरे धीरे उसने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा कि उसने करना बंद कर दिया, हमने सोचा मैंने डांटा, मैंने अपने बच्चे को सुधार दिया, उसने करना बंद कर दिया। उन्होंने करना बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया। एंड विच इज नॉट सेफ टुडे, इट इज नॉट सेफ टुडे एट ऑल। वी गेट हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स फ्रॉम चिल्ड्रन विद देयर प्रॉब्लम्स, एंड द लास्ट लाइन रिटन इन द प्रॉब्लम इज, प्लीज डोंट टेल दिस टू माई पेरेंट। And we don't know what to do because the parent is the only person who can help them, and they don't want to tell the parent. Why do they not want to tell the parent? Kyunki parent se kya milega? Criticism, ridicule, dantna. Isliye aaj har school mein counselor aa gaye. Counselor aa gaye, aur hamare bacche ab counselor ke paas jaakar apni problem batate hain. Is it okay? Is it a good sign for us that my child goes to a professional to talk about their problems? What is the reason? Counselor or parent mein kya farak hai? And most important hai, counselor ke apne bacche uske paas nahi jaate. Wo dusre kisi ke paas jayenge. So that means it's not a professional quality. It is a profession, yes, but that same profession the counselor cannot do for their own children. And we don't even have to be a counselor. Hum apne bachchon ke doston ko bahut acche se raaye de dete hain. Hamare bachchon ke dost hamare paas aate hain, hamare bacche hamare doston ke paas jaate hain. Lekin hamare bacche hamare paas nahi aate hain. Kya farak hai ek parent aur ek counselor mein? Parents are also ready to listen.
तो फिर क्या होता है, क्या होता है उस टाइम? बॉन्डिंग ऑफ लव तो पेरेंट के साथ है, तो काउंसलर के पास क्यों जाना चाहिए? पेरेंट के पास आना चाहिए, क्योंकि स्कूल से अगर उनको काउंसलर के पास जाने की आदत पड़ गई, जीवन भर उन्होंने काउंसलर के पास ही जाना है उसके बाद फिर. They are not getting into that comfort zone of coming to the parent. What is one major difference between a parent and a counselor? Yes, parent is judgmental, counselor is non-judgmental. अगर आपके पास आपके कोई दोस्त का बच्चा आ जाए और आके कहे आंटी मेरे से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप क्या कहेंगे? ऊपर से कहेगा आंटी मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. आप ऊपर से क्या कहेंगे? इट्स ओके, कोई बात नहीं. अब बस इट्स ओके, कोई बात नहीं अपने बच्चे को कहना था. इट्स ओके, कोई बात नहीं वो अपने बच्चे को कहना था, लेकिन उस टाइम हम नहीं कहते इट्स ओके, कोई बात नहीं. उस टाइम तुमने किया कैसे ऐसा? तुम मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, तुम पक्का हॉस्पिटल में बदल ही गए होगे. यस, पीपल से दिस, दे से दिस टू देयर चिल्ड्रेन बिकॉज दे आर सो शॉक्ड बाय व्हाट द चाइल्ड हैज डन एंड द अमाउंट ऑफ रिजेंटमेंट एंड रिजेक्शन वी गिव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर लाइफ. But then, I am not fulfilling my role of a parent the right way. अगर किसी से कोई गलती हुई है suppose, उस समय उसको क्या चाहिए? किसी से भी, need not be a child, could be anybody. Suppose I am climbing down these steps and नीचे उतरते उतरते गिर गए. So I have fallen, मेरे से गलती हो गई. तो immediately क्या चाहिए? Support, right? So first thing support, second thing healing. हीलिंग, फिर धीरे से आप बाद में बोल सकते हैं अगली बार ध्यान से चलना. बट सपोज आई फॉलन डाउन एंड वहीं पर आकर आप कहते हैं देख कर नहीं चल सकते थे, दो ही सीढ़ी तो थी सिर्फ, इतना भी नहीं देखा. दिस इज व्हाट वी डू. किसी से गलती हुई है, किसी से गलती हुई है, उस समय उसको किस चीज की जरूरत है? सपोर्ट, प्यार, हीलिंग, उसको उठाना है. वो दर्द में होता है, इवन इफ आई एम हर्ट फिजिकली एंड उस समय कोई मुझे एडवाइस दे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ध्यान सारा किस पर है? पेन पर. जब फिजिकल पेन में एडवाइस डजंट वर्क, इमोशनल पेन में, इमोशनल पेन में, तो क्या हम ये बात आज एक पक्की कर सकते हैं कि अगर किसी से गलती हुई है तो वो समय नहीं है उसको डांटने का. जितनी बड़ी गलती, जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है. और हम क्या कर रहे हैं आज? जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी डांट. सो वी आर डूइंग कंप्लीटली, वी आर गिविंग द कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जी व्हाट माय चाइल्ड नीड्स. इमेजिन एक बच्चे को चोट लगी, वो दर्द में है और हम डंडा लेकर उसी की चोट पर, वी डू दैट एवरी डे. एंड हम ही अपने आसपास परिवार वालों की एनर्जी जो इतनी थी, फिर उनसे गलती हुई तो वो इतनी हुई एंड वी मेक श्योर कि वो बिल्कुल इतनी हो जाते हैं. एंड वो इसलिए होता है क्योंकि हमने सारा दिन में अपनी मन की स्थिति पर अटेंशन नहीं रखा, छोटी छोटी बातों में. तो जब थोड़ी सी बड़ी बात आती है हमारे सामने तो फिर स्टेबल रहना, स्टेबल रहना डिफिकल्ट. सिगरेट पीना गलत बात है? आपका तो इक्वेशन पक्का हो गया एकदम. सिगरेट पीना गलत बात है? 20 साल की एज में अगर आपके आसपास के दोस्त सारे ले रहे हैं
एंड आपको भी क्यूरोसिटी हो रही है और सब आपको फोर्स कर रहे हैं लेने के लिए, तो लेने का मन करना, एक मिनट फिर से कहना, लेने का मन करना, यही चीज अगर बच्चे को कह दी होती उस दिन, यही वर्ड अगर उस दिन उसको कह दिया होता कि आई अंडरस्टैंड यू फेल्ट लाइक हैविंग इट, आई अंडरस्टूड कि तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे थे तुम्हें ये करने के लिए, तुम्हारा भी मन कर गया, आई अंडरस्टैंड मेरा भी मन किया था जब मैं इस एज का था, दिस इज इट। फिर वो ऐसे आ जाते और फिर हम उनको कहते लेकिन सिगरेट तो फिर भी गलत है, आप गलत नहीं हो, लेकिन सिगरेट गलत और बच्चा गलत में बहुत फर्क था, हमने सिगरेट को गलत नहीं बोला, हमने किसको गलत बोल दिया, बच्चे को गलत बोल दिया, हमने कहना था बच्चे आप सही हो, आपका ऐसा फील करना भी नेचुरल है, बट यू नो व्हाट, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं, और वो तो ऑलरेडी उस बच्चे को पहले से ही पता है, वो तो उसको पता है, बताने भी नहीं थी, लेकिन चाइल्ड यू आर राइट, देन द चाइल्ड वुड हैव सेड माय पेरेंट्स आर आल्सो राइट एंड वी वुड हैव बीन हियर, वी वुड हैव बीन हियर। आज के समय में इतनी चीजें हो रही हैं बाहर, इतनी चीजें हो रही हैं कि द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड इज इफ दे कैन कम एंड शेयर विद अस एवरीथिंग, देयर इज नो अदर वे, पुराने तरीके सारे खत्म हो गए, बट टुडे दे आर नॉट एबल टू कम, एंड देन क्या होता है, जब हम उनको यहां से रिजेक्ट करते जाते हैं, मतलब उनकी बात को नहीं मानते, वहां उनके दोस्त होते हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली, बच्चा भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे किस तरफ जाने लगते हैं, जहां उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है, फिर उसके बाद उनके वो दोस्त उनको कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब वो फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की एक्सेप्टेंस को खोना नहीं चाहते, क्योंकि फैमिली की तो ऑलरेडी खो चुके हैं, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट फॉलिंग इनटू ट्रबल, एंड वंस दे फॉल इनटू ट्रबल दे डोंट हैव द करेज टू कम बैक टू फैमिली। सो कैन यू इमेजिन योर चाइल्ड इन पेन एंड नॉट रेडी टू कम टू यू फॉर हेल्प, एंड दैट कैन पुट हिम इनटू, एंड अंदर कितना गिल्ट, कितना फियर, कितना दर्द, सिर्फ क्यों, क्योंकि हमारे अंदर सच सुनने की ताकत नहीं है। आज जाकर घर पे उनको कहना है एंड से इट टू एवरीबडी अराउंड यू, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो वर्क प्लेस है, आई एम रेडी टू लिसन टू द ट्रूथ, कम एंड शेयर द ट्रूथ विद मी, बट व्हेन दे कम एंड शेयर इट वी हैव टू बी लाइक दिस। काउंसलर मीन्स अगर बड़े से बड़ी गलती भी हुई होती है ना किसी से, गलती भी नहीं, जिसको कोई पाप भी कह दे कि मेरे से तो इतना बड़ा पाप हो गया है, तो भी काउंसलर क्या कहेगा, हो गया ना, कोई बात नहीं, अब क्या करना है वो देखते हैं, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ द सॉल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द काउंसलर सेज कोई बात नहीं, हो गया, होता है ऐसा, ताकि उसको वो कहते ही सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट अभी अभी क्या हुई है, एकदम से डाउन हुई है। आर रोल इज नॉट टू कंट्रोल पीपल, आर रोल इज नॉट टू डिसिप्लिन पीपल, आर रोल इज टू एम्पावर पीपल, मतलब जिस लेवल पर उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ है, हमें उस इमोशनल स्ट्रेंथ को क्या करना है, और बढ़ाना है, ये हमारा रोल है। और अगर हम सारा दिन उनको योर रॉन्ग ये एनर्जी देंगे, तो वो जहां है उससे डे बाय डे नीचे जाते जाएंगे, तो वो रॉन्ग नहीं, हमारे से अलग हैं।